नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन रिक्वायरमेंट लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इसी रिक्वायरमेंट में हम बात करने वाले हैं रेलवे पुलिस की यानी कि RPF की रिक्वायरमेंट के बारे में और रेलवे पुलिस में SI की रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों बहुत सालों बाद यहां पर वैकेंसी निकल कर आई है और अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अगर आप भी सेंट्रल पुलिस या फिर MP पुलिस या फिर स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट हो सकती है RPF की, रेलवे की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रेलवे पुलिस की। किस तरीके की डिटेल है, क्या कैसे किया है, यहाँ पर आपको आवेदन करना है, कब से आवेदन होंगे, फुल डिटेल बताएंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको गूगल ओपन कर लेना है, अपने किसी भी ब्राउजर में गूगल पर सर्च कर देना है सरकारी रिजल्ट। यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगी sarkarirezult.com की, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है तो तीन कॉलम दिखाई देंगे, रिजल्ट, एडमिट का, लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब में आपको फर्स्ट नंबर पर ही दिख रहा होगा रेलवे RPF कांस्टेबल / सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म यानी कि SI। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक किए देता हूँ। जैसे ही फर्स्ट लिंक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक टैब खुलकर आ जाता है जहाँ पर आपको इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो रेलवे पुलिस की रिक्वायरमेंट, काफी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लगभग 5 या 7-8 साल के बाद यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट मैं तो देख रहा हूँ। मुझे जहाँ तक याद है मैं तो 7-8 साल के बाद इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट, गोल्डन रिक्वायरमेंट एक तरीके से कह सकते हैं। अगर आप भी किसी भी तरह की पुलिस फोर्स में जाना चाहते हो तो इस रिक्वायरमेंट को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको रेलवे में RPF यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। इसमें आपको दो तरह की रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी, पहला तो कांस्टेबल यानी कि GD की, दूसरा यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की। दोस्तों आपने देखा होगा कि लगभग आज से 2016-17 में रिक्वायरमेंट निकाली गई थी, उस टाइम पर जो RPF की रिक्वायरमेंट निकाली गई थी उसमें काफी लोगों के सिलेक्शन हुए थे और इसमें आपको ज्यादा कुछ क्वालिफिकेशन, फिजिकल क्वालिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए होती। यहाँ पर सिंपली आपको मौका चाहिए होता है कि कब रिक्वायरमेंट निकले, तो यहाँ पर वो मौका आ चुका है, रिक्वायरमेंट आ चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पर देखिए आपके ये जो फॉर्म है वो डलेंगे 15 अप्रैल 2024 से और यहाँ पर अंतिम तिथि रहेगी 14 मई 2024, मतलब कि एक महीने तक आपका फॉर्म डलेगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट तो जैसे कि मैंने आपको बता दी 14 मई रहेगी। इसके बाद एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड, अभी बहुत टाइम है तो एडमिट कार्ड डेट और एग्जाम डेट आ जाएगी, यहीं पर आपको शो करने लगेगी। अभी तो यहाँ पर एज पर शेड्यूल बता रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी क्लियर नहीं कब एग्जाम है, कब यहाँ पर एडमिट कार्ड निकलेंगे, फॉर्म डालने की डेट निश्चय की गई है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं जनरल OBC EWS की फीस 500 रुपए रहेगी, SC ST फिजिकल हैंडीकैप की 250 रुपए फीस रहेगी और यहाँ पर सभी फीमेल कैंडिडेट की फीस भी 250 रुपए रहने वाली। अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी 250 रुपए करेक्शन की फीस रहेगी। थोड़ा सा नीचे पाते तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 से 28 होनी चाहिए और अगर आप किसी भी SC ST कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते तो जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरह की रिक्वायरमेंट, पहला कांस्टेबल, दूसरा SI। तो यहाँ पर कांस्टेबल में तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 10th पास चाहिए होगा। अगर आपने 10th कर रखी है तो यहाँ पर आवेदन कर दीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर आपका चयन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा फिजिकल क्वालिफिकेशन भी कुछ ज्यादा नहीं होती, जिस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मात्र 10th पास चाहिए GD के लिए, उसी तरीके से फिजिकल क्वालिफिकेशन भी कम ही रहेगी। यहाँ पर बात की जाए दूसरी तो यहाँ पर देखिए SI की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको 452 रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है और सिर्फ यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगी और वहीं पर कांस्टेबल में आपको रिक्वायरमेंट 4208 वैकेंसी देखने को मिलती है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते तो यहाँ पर फिजिकल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेल फीमेल के लिए अलग अलग दिया गया है। वैसे देखा जाए तो अगर आप किसी भी स्टेट पुलिस या सेंट्रल पुलिस में जाते हो तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को यहाँ पर मिनिमम 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट है तो भी चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद ST ST में तो और भी कम है, 160 सेंटीमीटर हाइट में चल जाएगा और यहाँ पर रेस मात्र आपकी 1600 मीटर रहेगी और यहाँ पर लगभग 6 मिनट का समय रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर फिजिकल क्वालिफिकेशन भी बहुत कम रहने वाली है, आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जरूरी लिंक देखने को मिल जाती है, जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको लिंक एक्टिवेट 15/4/2024 देखने को मिल रहा है, मतलब कि
15 अप्रैल से यहाँ पर आवेदन होने लगेंगे। तो यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन बटन आ जाएगा जहाँ से आपको आवेदन करना होगा। दूसरा, आपको फुल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो दूसरी लिंक दी गई है। तीसरा, फॉर्म भरते वक्त अगर आपको फोटो सिग्नेचर रिसाइज करने में प्रॉब्लम आती है तो सरकारी जल टूल की वेबसाइट दी गई है। चौथा, यहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक दी गई जिसे ज्वाइन करके आप लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पर लास्ट में ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, आरपीएफ यानी कि इंडियन रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई, तो जिस पर आप क्लिक करके आप लेटेस्ट अपडेट जान सकते हो। आरपीएफ से रिलेटेड अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूंगा कि ये जो वैकेंसी है बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप अगर फोर्स में जाना चाहते हो, किसी भी तरह की पुलिस रिक्वायरमेंट को हासिल करना चाहते हो, लेकिन आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम है, तो यहाँ पर आरपीएफ की इस रिक्वायरमेंट को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ही गोल्डन रिक्वायरमेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।